देखिए हमारे पास क्या है, प्लीज इधर, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, थ्री मैन एंड फोर बॉयज, ठीक है भाई, डू ए वर्क इन 8 days। पेज नंबर है 5, आप सीक्वेंस करेंगे तो एग्जाम्पल 26, राइट साइड में ना, थर्ड वाला, नीचे से थर्ड, नहीं तो क्वेश्चन तो मिल जाएंगे ना आपको। शायद दूसरा चैप्टर वही के नंबर यहाँ पे चेक कर लें, ये वाला कर लें, ठीक, थ्री मैन फोर बॉयज कैन डू, अभी हमने ये किया था ना इससे ऊपर वाला, ये वाला किया था अभी, ठीक है। यस प्लीज, देखो एक्चुअली क्या है, जो वर्ड प्रॉब्लम्स होते हैं ना, ये सारे के सारे क्वेश्चंस लैंग्वेज बेस्ड होते हैं। ये किधर दे दीजिए शीट, इनके पास नहीं है ना, ये लैंग्वेज नहीं समझ पाएंगे बेटे, यहाँ से है बेटे ये वाला, ठीक है बेटे, बीच में रख लीजिए, क्योंकि जब तक आप लैंग्वेज नहीं क्लियर करोगे तो क्वेश्चन क्लियर नहीं होगा। तो सबसे पहले लैंग्वेज 26 नॉट 16, आप सिक्वेंस करोगे ना, चलो चेक कर लेना। What is the question? Three men and four boys do a work in 8 days, while four men, यहाँ पे important बात क्या है कि वो चीजें चेंज कर रहा है, four men and four boys do the same work in 6 days, ठीक है, in how many days will two men and four boys do the same? इन हाउ मैनी डेज, क्वेश्चन अभी भी वही है, अगर आपको समझ में आ रहा हो प्लीज इधर, हमारे पास क्या क्वेश्चन है, मतलब अगर मैं ऐसे लिखूं, थ्री मैन विद फोर बॉयज डू इन 8 days, वाइल फोर मैन फोर बॉयज डू इन 6 days, ठीक है। क्वेश्चन वर्क एंड टाइम का जितने भी क्वेश्चन है मैंने आपसे कहा था 1/1 में होगा, 1 day में होगा, ऐसे करते नहीं है, डायरेक्ट हम इक्वेशन लग सकते हैं, लेकिन पहले मैं आपको बता दूं, हम यहां से स्टार्ट करेंगे, लेट वन मैन अलोन कैन डू ए वर्क इन एक्स डेज, वन बॉय अलोन कैन डू इन वाई डेज, लेकिन आपको निकालना क्या है, वन डे वर्क, क्या निकालना है, तो वन डे वर्क ऑफ देम। तो अगर आप इस इक्वेशन की बात करोगे तो थ्री मैन का वन डे वर्क 3/x, 1/x प्लस 1/x प्लस 1/x इज वॉट, सेम बॉयज का वन डे वर्क 1/y, बट हाउ मेनी बॉयज वी हैव, 4/y, वन वर्क कितने दिन में फिनिश कर रहे हैं, 8 days में कंप्लीट वर्क, तो वन डे में 1/8 पार्ट ऑफ दैट वर्क, दैट्स इट। तो ये इक्वेशन आ गई, तो अगर आप जब समझने लगेंगे तो डायरेक्ट लिखने लगेंगे, मतलब यहां की इक्वेशन क्या बनेगी, 4/x, यस और नो, यहां पे इक्वेशन क्या बनेगी, 4/y इज व्हाट, 1/6, ये इक्वेशन है। अभी जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया था, जो आपने पूछा था सर कैंसिल माइनस क्यों किया, क्योंकि कैंसिल करना था, लेकिन कैंसिल करने से पहले क्या करना है, इक्वल करना है। इस क्वेश्चन में सबसे अच्छी बात क्या है, ऑलरेडी इक्वल, 4 boys यहां है, 4 boys यहां है, तो मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, जो हमने लास्ट टाइम किया था ना, समझ में आ रहा है, तो सीधा सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, तो माइनस कर दीजिए बस, तो बॉयज कैंसिल हो गए, व्हाट, 3/x माइनस 4/x इज माइनस 1/x, एंड हियर 1/8 माइनस 1/6, एलसीएम 48, यस और नो, 6 1 जा 8 1 जा माइनस 2/40, कुछ समझ में आया, 2/48 का मतलब 1/24, तो माइनस से, तो x इज इक्वल्स टू 24, ये x आ गया, x आप किसको कह रहे हो, वन मैन को, तो वन मैन अलोन कैन डू ए वर्क इन 24 days, कितने दिन में, 24, बट क्वेश्चन ये नहीं है, क्वेश्चन ये है, टू मैन फोर बॉयज, बाद में सोचेंगे, तो अब बॉय का निकालो, किसका निकालो, बॉय का, कैसे निकालते थे अगर आपको याद हो, ये फर्स्ट इक्वेशन है, सेकेंड, किसी में भी x की वैल्यू पुट कर दीजिए,
तो अगर सपोज करो आपने 1 में पुट किया तो 3/24 x की वैल्यू कितनी है प्लस 4/ इज इक्वल टू, इज दिस क्लियर? तो आपके पास कितना आ गया 1/8 उधर चला जाएगा ये मेरे पास, तो कितना आया भाई 4/y इज इक्वल टू 0। ठीक है, 0 क्यों आ रहा है सर जी? चलो जी, तो y इज इक्वल टू, तो बॉयज से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, बॉयज के वक्त से क्या नहीं हो रहा है, फर्क नहीं पड़ रहा, ये प्रॉब्लम। तो ठीक है, अब हमारे पास क्या है, हमारे पास है इक्वेशन कौन सी थी हमारी, ये वाली, इनका वन डे वर्क निकालिए, टू मैन का, टू मैन 2/x आ रहा है, हमारे पास क्या है, हमसे पूछ रहा है टू मैन प्लस फोर बॉयज डू द सेम वर्क इन हाउ मेनी डेज, तो वन डे वर्क ऑफ देम, वन डे, पहली बात तो फोर बॉयज का कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, सिर्फ मैन का पड़ रहा है, तो आप डायरेक्ट बता सकते हो वन मैन कितने दिन में कर रहा है, तो टू मैन 12 हाफ करोगे ना, टू में तो डबल हो गया ना काम, दो आदमी आ गए तो दिन आधे हो जाएंगे, कितने 12, अदरवाइज कर लो वन डे क्या होगा 2/x प्लस 4/y, करो भाई 2/x का मतलब 2/24, 4/y का मतलब 0, तो ये तो कुछ है ही नहीं वर्क, फिनिश, तो ये आ रहा है 1/12, तो इसका मतलब एक दिन में 1/12 हुआ, तो टोटल वर्क जस्ट रेसिप्रोकल 12/1, 12 डेज, ठीक है सर, ऐसे। तो एक एक चीज आप समझेंगे तो फिर स्पीड भी बनेगी। अब अगर आप इस क्वेश्चन को देखेंगे, प्लीज देख लीजिए, ये क्वेश्चन लिखा हुआ था इधर देखिए, ये इस पे बोर्ड पे तो हमने इतना किया है, सपोज करो पेपर पे ये है आपके पास इतना, तो जैसे ही आप ये पढ़ेंगे और प्रैक्टिस करने लगेंगे तो आपकी इक्वेशन एकदम से बनेगी 3/man 4/boys इज इक्वल टू 1/8, व्हाट अबाउट दिस 4/man प्लस 4/boys इज इक्वल टू 1/6, क्योंकि माइनस हो रहा है कैंसिल, क्या 4 - 3 1/6 - 1/8 8 × 8 = 6 × 6 8 - 6/48 2/48 1/24, तो x m इज इक्वल टू, m इज इक्वल टू, तो मैन कितने दिन में 24, तो आपका आंसर कितनी लाइन में आ गया, आंसर आ रहा है समझे, 24 आप कहीं भी रख दीजिए, सपोज करो आपने यहां रखा, प्लीज देख लीजिए इतना ही लिखना है बस, आपने यहां रखा m कितना आया, आपने यहां 24 रखा तो कितना आ गया 1/6 से, तो बॉय कितना 0, इसका मतलब बॉय से इंपैक्ट नहीं हो रहा है, वो तो ऐसे ही खड़ा कर रखा चाय पानी पिलाने को, काम नहीं कर रहा बेचारा भाई, तू कीले देता रहे ना मुझे, होता ना सर हेल्पर, तो हेल्पर का कोई काम नहीं होता, बस क्या करना है उठा के दे दो भाई जल्दी से इतना सा, तो इसमें इसका कोई काम नहीं है, तो इसका कोई काम नहीं है, तो क्वेश्चन क्या है टू मैन, तो वन मैन फिनिश इन, टू मैन फिनिश इन 12, दैट्स इट, तो आपको जो लिखना है वो इतना लिखना है, लेकिन वो तभी होगा जब ये सारी चीजें आपके दिमाग में करेक्ट होंगी, आप कर चुके होंगे।